तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये एक अच्छा सा सवाल है, जनरली बच्चे को इसमें डाउट आता है। तो ये कहा जा रहा है कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, इलास्टिक स्प्रिंग अनस्ट्रेच लेंथ एल है। मतलब ये अनस्ट्रेच लेंथ क्या होता है बोलो? नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ ये एल है स्प्रिंग की, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक ना, एल और के इसका है। अभी कहता है द फोर्स कांस्टेंट के इज स्ट्रेच बाय स्मॉल लेंथ एक्स। हमने इसको पकड़ के यहाँ से कुछ खींच दिया, तो अगर थोड़ा सा खींच दिया तो ये एक्स इसमें इलांगेशन आ गया। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तो ये डिस्टेंस एक्स हमने कर दिया, तो इसमें स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, उसको मैं यू आई बोल देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है इट इज फर्दर स्मॉल लेंथ वाई। मतलब एक्स तो पहले था ही था, अब इसको और ज़्यादा इलोंगेट कर दिए, तो एक्स तो था ही, तो ये जो टोटल इलोंगेशन है फर्दर इलोंगेटेड, दैट इज द वाई। तो टोटल इलोंगेशन यहाँ से तुम देखोगे वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये वाली। तो ये टोटल डिफॉर्मेशन है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल स्टोर हुई होगी, ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो कहते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, तो वर्क डन पूछा जा रहा है। देखो तो वर्क डन भाई, तुम देखोगे तो वर्क डन इसको खींचने में कौन, जो भी ऑब्जर्वर इसको खींचेगा यार, वही तो वर्क डन करेगा। यहाँ पे तुम हो और इसको खींच रहे हो पकड़ के, तो तुम ही तो वर्क डन करोगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जा रहा, समझ में आया। और वर्क डन बाय स्प्रिंग अलग होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वो होता है वर्क डन, दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूले, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द वर्क डन बाई, समझ रहे, दिस इज द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम्स ये वाला, तो प्यारे बच्चे देखो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस टाइम्स इतना होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्न, इसी का जो प्लस वैल्यू होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक ना, एक्सटर्नल मैन का वर्क डन। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग का वर्क डन निकाल लेते हैं, माइनस टाइम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, माइनस को अंदर लगा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हाफ के एक्स स्क्वायर है, और माइनस फाइनल आ जाएगा हाफ के एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर, ये वाला, ठीक ना, बड़ा वाला ब्रेकेट। दिस इज द वर्क डन, किसका निकालना है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग या कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग या कंजर्वेटिव फोर्स जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब वर्क डन निकालोगे यहाँ से, तो हाफ के यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा वाला ब्रेकेट, या हाफ यहाँ से के यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस टू एक्स वाई, ये वाली चीज़ यहाँ पर बनी। तो यहाँ से इसको देखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ यहाँ से के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ यहाँ से के वाई स्क्वायर और माइनस टू के एक्स वाई यहाँ से बचेगा, मतलब हाफ के एक्स वाई। तो ये वाला टर्म इससे कट गया। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो स्प्रिंग का वर्क डन, ध्यान रखना स्प्रिंग का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का, माइनस हाफ के वाई यहाँ से के और वाई यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ए बचेगा, के वाई यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा एक्स, ब्रैकेट में बचा यहाँ से, बचा यहाँ से के वाई बाहर निकाल लिए तो यहाँ से के वाई यहाँ से हाफ के एक्स था ना, तो यहाँ से के वाई अगर बाहर आए तो एक्स प्लस यहाँ एक्स प्लस वाई यहाँ से ब्रैकेट में बच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से के वाई अगर तुम बाहर निकालोगे के वाई, तो देखो तो यहाँ इस टर्म में कुछ मैच कर रहा है, हाँ यहाँ यहाँ टू भी तो था यार, यहाँ टू था, तो ये टू टू
एक्स प्लस ये बच रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग माइनस हाफ के वाई और यहाँ से टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए यार, ये तो स्प्रिंग ने वर्क डन किया ना, तो ये जो है हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो है जो खींच रहा है स्प्रिंग को, तो इसी का प्लस वैल्यू, ठीक है ना, या इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी का प्लस वैल्यू मॉड, मतलब हाफ के वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, ठीक ना, ये दिस इज द वर्क डन बाई दिस। तो यहाँ से तुम देखोगे डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्लियर होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।